So, how many of you can you raise computer hand? How many of you heard about past life regression? से आपने कभी past life regression experience किया है? या आपने कभी कोई course किया है? कितने लोग हैं यहाँ पर? किसी ने नहीं experience किया? अच्छा, गौरव जी ने एक्सपीरियंस किया है। तो गौरव जी, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? गौरव जी, आर यू देयर? आप बात कर सकते हैं? आई थिंक ही इज बिजी। सो जैसा कि आपको पता है कि ये एडवांस पीएलआर के लिए वेबिनार है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस ऑफ एडवांस पीएलआर। तो फर्स्ट जो हमारा बेसिक पीएलआर हुआ था, वहां पे हमने माइंड थ्योरी एंड बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस किए थे जहाँ पे क्लास के पार्टिसिपेंट पास्ट लाइफ में गए थे, और हमने बहुत सारी टेक्निकल चीजें माइंड के बारे में सीखी थी कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं, और किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं, कौन से फियर्स होते हैं हमारे अंदर जो हमें बचपन से मिलते हैं, या जब हम पैदा होते हैं तो हम कितने फियर्स के साथ पैदा होते हैं, या किन चीजों के साथ हम पैदा होते हैं। उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट समझा था पास्ट लाइफ का, कि ये ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, या आपका कोई स्पिरिचुअल साइट हो कि भाई पता नहीं मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं, या हमारे मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में ऐसा क्यों होता है, या मैं ऐसी फैमिली में मैंने जन्म लिया है जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं है, या ऐसी बहुत सारी फैमिली है जहाँ पे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका आपके पास कोई आंसर नहीं होता, राइट? यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं, आप अपना डायग्नोस करवाते हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके साथ कंटिन्यूअस बनी रहती है, और आप भी सरप्राइज रहते हैं कि भाई ऐसा भी क्या है। तो कुछ ऐसे पार्ट है हमारी लाइफ के जो काफी सीक्रेट हैं, जहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। तो जितने भी ये आपके पार्ट है जहाँ पे किसी और को कोई बात समझ में नहीं आ रही कि व्हाई यू आर इन ट्रबल, उन सब चीजों के जवाब आपको इस तरह की क्लासेस में मिलते हैं। हाँ, आपने पीएलआर के बारे में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रखी होगी, बहुत सारी चीजें आपने समझी होंगी कि अच्छा, इनकी लाइफ में ऐसा हुआ था तो आज ऐसा हो रहा है। ओके, क्योंकि हमारी जो पास्ट लाइफ है और जो हम हैं, वी बोथ आर कनेक्टेड। हमारी बहुत सारी एनर्जी जो आज हम कर रहे हैं वो हमारी पास्ट लाइफ से हम लेके, एनर्जी से यहाँ मेरा मतलब है जो कुछ भी आप इस लाइफ में आज कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो आप अपने रिलेशनशिप में बात करें, या आपकी जो हेल्थ है, या कोई पर्टिकुलर जगह है आपकी बॉडी में जहाँ पे हमेशा आपको पेन रहता है, या हमेशा आपको प्रॉब्लम रहती है, या कोई एक प्रॉब्लम जैसे पेट में दर्द है बार बार होते रहता है, सो वहां पे बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, राइट? सो हमारा जो ये लाइफ है, हमारा ये जो लाइफ हम जी रहे हैं, उसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं जो इस लाइफ टाइम की हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं जो पास्ट लाइफ की हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हम अपने एंसेस्टर्स की कैरी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम फैमिली कॉन्स्टेलेशंस करते हैं, राइट? हमारी एक क्लास भी चल रही है फिलहाल यहाँ पर हमारे एकेडमी में, गुरुजी ज्ञान में। बहुत सारे जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए थीटा हीलिंग है, इंट्यूटिव एनाटॉमी है, लेकिन फिर भी यस, गौरव जी, बिकॉज यू सेड यू नो अबाउट पीएलआर, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू। कैन यू कम ऑन द स्क्रीन? चलिए, इन्होंने, मोना जी ने हाथ उठाया हुआ है, कैन आई टॉक टू यू मोना जी? यस मैम, या प्लीज टेल मी। मैम मतलब पास्ट लाइफ से मतलब जैसे अब हम जिस एज में है, ये पुरानी साल बीत गई इनके बारे में या पूर्व जन्म के बारे में पास्ट देखिए, लाइफ मतलब? आपका जो दिमाग होता है ना, दिमाग, जी उसके मैम, लिए पास्ट मतलब कल भी उसके लिए पास्ट है। आपके माइंड के लिए, आपके माइंड को कोई ऐसा वो नहीं होता कि जो
फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर तो आपके माइंड को इस तरह से नहीं हम बता सकते कि देखो ये जो कल ये डेट आएगी ना ये हमारा फ्यूचर है, बिकॉज देर इज नो मेमोरी, ठीक है, कोई मेमोरी है ही नहीं उसमें। तो हमारे माइंड की जो मेमोरी है वो कहाँ से आई है उससे माइंड को कुछ लेना देना नहीं होता। तो माइंड के लिए हर चीज पास्ट है, लेकिन जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेसिस्ट बनते हैं तो हमें पता होता है कि ये जो मेमोरी होती है ना हमारी पास्ट की, वो हमारे इस जन्म का भी पास्ट हो सकता है, हमारे पिछले जन्म का भी पास्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम थेरेपिस्ट बनते हैं तब हम अपने माइंड को गाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना, इस जन्म के पास्ट में जाना है या पिछले जन्म के पास्ट में जाता है। वहां पे ये लाइफ का भी एज रिग्रेशन थेरेपी आप करते हो जो एडवांस में आने वाली है, जहाँ पे आप इस जन्म की बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व करते हो। ओके, तो और मैं जी तो बोलिए। जैसे मतलब अगर हम ये कोर्स करते हैं तो हम मतलब क्या इस तरह से हो सकता है कि हम अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं या ऑफ ऐसा कुछ? कोर्स हमने बहुत सारे वो किए हुए हैं पास्ट लाइव्स, इवन ऑनलाइन बहुत सारे पास्ट लाइव्स किए हुए हैं ऑनलाइन। तो मैम ये नहीं हुआ कि मैंने कहीं सुना था कि जैसे हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग के साथ दिल के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अटैक ब्रेन हेमरेज अटैक नहीं, वगैरह ये सब चीजें? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जब आप टीवी देखते हो, जी ठीक है, मैम, आप मम्मी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके बच्चे, आप पता नहीं, आप शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड बोल सकती हूँ मैं। जी सो जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो जी क्या हम उनकी बातों का आप जवाब नहीं देते कि मतलब कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मतलब मुझे जवाब नहीं देना, ऐसा होता है क्या? या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, या वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा, ऐसा होता है क्या? नो मैम, नहीं। तो जब आप पास्ट लाइफ में होते हैं ना तो आप बिल्कुल उसी तरह से होते हैं कि एक तरफ तो आप टीवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आपसे आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं कि अरे भाई मेरी चाय बनाई थी क्या, या आपने ऐसा किया था क्या, तो आप उनको बराबर जवाब देते हो, ठीक जी है। मैम, अब उसी टाइम पे अगर वो आपकी कोई चीज लेना चाहे या आपको कुछ बुरा बोलना चाहे तो आपको समझेगा नहीं क्या? समझेगा ना, यस आप वो मैम, चीज को लोगे नहीं ना, यू कांट टेक इट राइट, बिकॉज यू जी नो। तो पास्ट लाइफ में ऐसा ही होता है जो आप बात कर रहे हैं, इसको हिप्टोनिज्म बोलते हैं। हिप्टोनिज्म मतलब आपके ब्रेन को कैप्चर करना, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो है ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, और ये जो हिप्नोथेरेपी हम कर रहे हैं या हिप्नोसिस हम जो कर रहे हैं, ये एक्चुअली पहले डॉक्टर का टाइटल दिया जाता था उसके लिए, लेकिन बाद में कुछ कुछ डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शंस किए कि नहीं इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ डॉक्टर, तब से वो डॉक्टर टाइटल मिलना बंद हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये आपके ट्रीटमेंट के लिए है, आपको कैप्चर करने के लिए नहीं है। हिप्नोसिस अपने आप में ये बोलता है कि आप और भी ज्यादा अवेयर स्टेट में आते हो जब आप हिप्नोसिस में होते हो। अब आप पूछेंगे हिप्नोसिस क्या होता है, जी मैम, वन सेकेंड ना, देर इज अ नॉइस। सो हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस एक ऐसी ट्रांस लाइक स्टेट होती है जहां पे आप और भी ज्यादा अवेयर होते हो। जैसे कि अगर आपकी इस फिंगर में मान लीजिए दर्द हो रहा है और मैं आपको हिप्नोसिस में ले जाऊंगी, तो आपको पूरी तरह से ये पता होगा कि ये दर्द मेरे को कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी नर्व में है। सो अभी तक तो सिर्फ फिंगर में दर्द हो रहा है इतना पता है, अब आपको ये भी पता रहेगा कि नर्व में है। तो मैं जितना ज्यादा आपको बोलूंगी कि अरे मोना जी आप थोड़ा और देखिए कि अब ये नर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप बोलोगे नहीं ये नर्व तो मेरे हार्ट तक जा रही है। फिर मैं आपको जी मैम, बोलूंगी अच्छा बताइए कि हार्ट में क्या है, तो आप बताओगे कि अरे मुझे बहुत हैवीनेस हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा है। अब मैं उसके बाद आपको पास्ट लाइफ में ले जाऊं या इस लाइफ के पास्ट में ले जाऊं, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और मुझे आपको कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ आपकी, राइट। जी मैम, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई जो आप बोल रहे हो वो मुझे रेजोनेट नहीं हो रहा, मेरे साथ सही नहीं बैठ रहा वो, तो आप अपने तरीके से भी अपने पेन को रिलीज कर सकते हो, या आप अपने तरीके से भी आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे इस पेन को रिलीज करना है। तो जब आप हिप्नोसिस में भी होते हो तब भी आपके माइंड का पूरा कंट्रोल आपके पास ही होता है, ओके, किसी और के पास कभी नहीं होता है। वो एक वो जादू टोने वाली बात अलग है, जो हिप्टोनिज्म बोला जाता है वो अलग चीज है, उसको हम बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रक्चरल टेक्निकल प्रोसेस है जो हम करते हैं,
ठीक है, और बिना जी आपके ब्रेन को हार्म पहुंचाए हुए या आपके किसी भी प्रोसेस को बिना टच किए हुए आपकी जो प्रॉब्लम है आज की उसको पास्ट लाइफ मिले। देखिए पास्ट लाइफ ही नहीं होता है इसमें, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हिप्नोसिस में, बहुत है। पास्ट लाइफ एक पार्ट है जो सबसे ज्यादा फेमस हो गया है। क्यों? क्योंकि जो वो थे ना डॉक्टर ब्रायन वेस, उनकी जो बुक्स जब हिट हो गई तो ये पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने लगा, उन्होंने जो बुक्स लिखी है उसकी वजह से। बट एक्चुअली हिप्नोसिस बहुत वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट, मतलब हर चीज का आपको उसमें इलाज मिलेगा, हर तो चीज मैम का। मैम जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखाई देती है, तो इसे प्रोसेस करने के बाद में सीखने बाद में वो हम उन चीजों को भी पकड़ पाएंगे कि ये चीजें हमें क्यों नहीं दिखती है। नहीं नहीं देखिए, जो आप मेडिटेशन करते हो देन यू आर लिसनिंग टू द गॉड, ओके। आप भगवान आपको जो दिखा रहा है आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। जी ये एक गाइडेड चीज है जो आपको, जैसे आपने मुझे बोला कि देखिए दो चीजें होती है, अब आप ऐसे समझिए, एक होता है हीलिंग और एक होता है यस थेरेपीज, ठीक है। हीलिंग और थेरेपीज में क्या फर्क है? मैं पहले हीलर थी, मैंने रेकी किया, थीटा किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, ठीक है, चलो बहुत सारी अच्छे फायदे हुए मुझे, बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारा मेरा सोल का कहते हैं पर्पस क्या है, ये सारी बहुत सारी चीजें उसमें आती, वो आई लर्न दैट, ओके, मैंने बहुत अच्छे से उसको समझा। जी लेकिन मुझे एक ही चीज थी कि अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो क्या फायदा, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट डे भी मैं दोबारा मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी। नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आप शांति जी, हाँ सानी जी, वेलकम शांति जी। सो थैंक द थिंग इज दैट, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि थेरेपीज का एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, कि थेरेपीज एग्जैक्टली वहीं पे काम करती है जहां पे प्रॉब्लम है, इधर उधर नहीं। जैसे हीलिंग अपने तरीके से काम करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हीलिंग से फायदा नहीं होता, फायदा बहुत होता है, लेकिन हीलिंग वो सारे काम हो गए, ये पापा गाँव जो है अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन यहाँ पे ये हमारे कंट्रोल में है कि हमको कहाँ पे क्या करना है, करवाना है या जो भी है। हालांकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या जो हिप्नोसिस है, इन सबका एक स्पिरिचुअल साइड भी है, वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। हम लोग पास्ट लाइफ भी बहुत तरीके से करते हैं, बहुत अलग अलग लर्निंग्स हम लेके आते हैं पास्ट लाइफ में कि हमारी सोल को क्या प्रॉब्लम थी। बहुत सारे ऐसे पास्ट लाइफ्स होते हैं जहाँ पे आज आपके जो प्रॉब्लम हो रही है, सपोज एक हमारी क्लाइंट थी, पता नहीं आज वो आई है या नहीं आई है, उनके कमर में बहुत दर्द रहता था, तो पता चला कि उनको पिछले जन्म में उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मारा था, तो वो तब से वो पेन लेकर के आई है, एंड जब पास्ट लाइफ हुआ उसके बाद उनको काफी रिलीफ हो गया उस पेन में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ये तो मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं पास्ट लाइफ में। क्लास में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे सेशंस हुए हैं क्लास में, और बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी जिसमें लोगों को सबको समझ में आया कि अच्छा कोई भी चीज जो आज हमारी बॉडी में हो रही है उसमें एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी कहाँ से आ रही है, हमको उसको रिलीज करना होता है तो वो पेन चला जाता है, लेकिन वो मेमोरी जहां से आई है पहले हमें वहां समझना तो पड़ेगा कि वहां ऐसा क्या रह गया था बाकी जो हमको अब रिलीज करना है, ओके। मैम, मुझे भी एक क्वेश्चन हाँ जी बोलिए था, वॉइस आ रही है ना मैम? मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग है और जो पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन है, तो दोनों क्या सेम है? सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में भी हम मतलब पास्ट पास्ट लाइफ में नहीं एक सेकंड मैं ना जाते हैं? म्यूट कर दो, प्लीज एवरीबडी ऑन म्यूट, प्लीज ऑन म्यूट, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो प्लीज म्यूट पे रहिए। हाँ जी अब बोलिए, आप दोबारा से रिपीट कीजिए, आप क्या बोल रहे थे? मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन है और जो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग है, क्या दोनों लगभग थोड़ा सा सेम ही लगता है? क्योंकि वो भी हमारे पास्ट से रिलेटेड है। हाँ, ये चीज है कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग जो है वो पास्ट लाइफ में लेके नहीं जाता, पर पास्ट मेमोरी को जरूर लेके जाते हैं। आप बताइए एक्चुअली जब, थोड़ा सा। हाँ आपकी तरफ से आवाज एक्चुअली माही जी आ रही है, एक्चुअली पास्ट लाइफ जब हम
कॉन्शियस माइंड को डाउन कर देते हैं, तब हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग मी? हम कॉन्शियस माइंड के में क्या हो रहा है, वो एक कॉन्शियस मेमोरी है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। आर यू गेटिंग मी? जब हमें सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना होता है, तो जो प्रोसेस होता है उसमें हम कॉन्शियस माइंड को छोड़ के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। ये सारा जो आपको मैं बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब आप पास्ट लाइफ एक्चुअली सीखेंगे, जब माइंड थ्योरी सीखेंगे कि ये कैसे होता है। तो मैम दोनों तो डिफरेंट अब डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। ऑफकोर्स दोनों डिफरेंट हैं, बट अगर आपको कॉन्शियस माइंड से कोई चीज, जैसे हमारे को कुछ करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आज पैसे बनाने हैं, लेकिन आप 10,000 रुपए से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना 10,000 से ऊपर कमाई नहीं पाती हूँ, ऐसा पता नहीं क्या है, तो कॉन्शियसली तो आपको मालूम है कि भाई ये तो मैं एफर्ट तो पूरे कर रही हूँ। देन जब आपका पास्ट लाइफ होगा, तब शायद आपको समझ में आएगा कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से आपकी मेमोरी में वो ट्रॉमा आया है, जिसकी वजह से आप उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो। तब आप जब एफर्ट कॉन्शियसली डालो, क्योंकि वो ट्रॉमा जब निकल जाएगा, तब आप कॉन्शियसली एफर्ट डालोगे, तब आपको 10,000 से ऊपर आपका इनकम दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, अगर हमें अपनी लाइफ में जो चीजें एम करनी होती है ना, कि भाई मुझे तो ये चाहिए मेरी लाइफ में, अगर यहाँ पे आप हैं और एम आपका यहाँ पे है, तो ये डिफरेंस को कवर करने के लिए आपको एक पास लाइफ भी करना पड़ सकता है और तीन भी करना पड़ सकता है, ठीक है? तब हमारे कॉन्शियस माइंड की एनर्जी खुलती है। ओहो, अच्छा, मैंने ये ऑप्शन तो कभी चूज ही नहीं किया, लेट मी चूज दिस ऑप्शन। क्योंकि सब चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन हमारे ट्रॉमास, हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज, हमारे पास्ट लाइफ लर्निंग और नॉट लर्निंग्स जिसके लिए आपने पिछले जन्म लिए, वो सारी चीजें आपका ब्लॉक बनती है। ओके, मैम जो ट्रॉमास होते हैं, जो हमारा बचपन चाइल्डहुड मेमोरीज में जो अटके रहते हैं, वो भी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही पड़े होते हैं ना। यस यस इट इज। इसको अब एक तो होता है आपका पास्ट लाइफ का पूरा जगह, एक होता है कॉम्प्रिहेंड मॉडर्न मेमोरी एरिया, ओके, जहां पे आपका इस जन्म का सारा एक्सपीरियंस होता है, अच्छे एक्सपीरियंस प्लस बुरे एक्सपीरियंस माइनस, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस मोर इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करके मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आप जो डिस्कस कर रहे हो माइंड के बारे में कर रहे हो। इट इज अ वेरी बिग थेरेपी, मतलब पूरा का आप इतनी मोटी मोटी, मेरे पास 4 बुक्स हैं जिसमें सिर्फ माइंड को एक्सप्लेन किया गया है कि माइंड क्या चीज होती है। बहुत। यू आर तो जस्ट टॉकिंग अबाउट मेरे पास सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस भी माइंड, देर आर काफी मेनी मेनी अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज वर्किंग। ओके, 64 माइंड्स होते हैं हमारे पास, 64, राइट? ओके, राजीव जी आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा भी आपने बताया, ये हमारी सिर्फ बॉडी की हीलिंग के लिए होगा या लाइफ की हीलिंग के लिए होगा? जैसे हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी है, या पास्ट में किसी ने कुछ बुरा करा और हमें पता करना है कि वो किसने बुरा करा। देखिए, ये जो थेरेपीज जिनकी मैं आप कर रही हूँ, ये जो किसी ने बुरा किया है या नहीं किया, ये वो चीज को हम अलग हटा के अगर अलग नए तरीके से सोचे, जैसे किसी ने आपको बुरा किया तो क्यों किया, क्यों किया? क्योंकि आपका कोई गिव एंड टेक है उस पर्सन के साथ, वो गिव एंड टेक क्या है? मेरे पास बहुत सारे ब्लैक मैजिक के केस आते हैं, पर आपको पता है ब्लैक मैजिक क्यों होता है? पहला रीजन होता है कि आपके खुद जेलेसी के डर, खुद के डर, जिनको लोग आपको बताते हैं ब्लैक मैजिक करके कि इन डरों को भगाओ। दूसरा, आपका खुद का कार्मिक, जिसके कारण आप अट्रैक्ट करते हो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में, खुद आप अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि अगर यहाँ हुक नहीं है, तो कोई किसी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर किसी ने आपका कुछ बुरा किया है, तो हम पास्ट लाइफ में, ये एक बहुत ही सॉफ्ट स्पिरिचुअल अप्रोच है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने की। ओके, तो जब आप मेरे से बोलेंगे भाई मेरे साथ ये इंसान ने बहुत बुरा किया, ओके, फाइन, किया होगा, लेकिन
अब हम उसको नए तरीके से कैसे सोचेंगे कि लेट्स सी कि मेरा गिव एंड टेक, मेरा लर्निंग लेसन इस पर्सन के साथ क्या है। क्योंकि जब हम यहाँ जन्म लेते हैं ना, तो हम हर चीज को पहले ही फिक्स करके आते हैं कि भाई तुम ये मेरे, ये जब मेरी ये एज होगी तब आप मुझे ये नुकसान पहुंचाओगे जिससे मैं ये लर्निंग लेसन करूंगा। तो अगर लर्निंग लेसन आपका इस जन्म में भी नहीं हुआ है, तो यही लर्निंग लेसन अगले जन्म में आप पास्ट लाइफ करके पूछ रहे होंगे। आर यू गेटिंग मी? हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लोगों के साथ कि भाई तुम्हें ये मेरा बुरा करना ही होगा। जो लोग बुरा करते हैं वो सबसे अच्छे टीचर होते हैं। वो आपको ना एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी फट से पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस वो बदलना चाहिए हमको। ठीक है, वो बुरा है या बुरा कर रहा है या वो करते रहेगा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया या मेरी लर्निंग इसमें क्या थी? झगड़ा हम सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सबको आता है झगड़ा करना, पिक्चरों में भी बहुत देखा है, डिसुम डिसुम सब होता है। लेकिन व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच कि ये मेरे साथ हो ही क्यों रहा है? क्योंकि एक मुक्का इधर से तो एक उधर से, ये तो जिंदगी में चलेगा, राइट? फिर तो वो होते ही रहेगा। बट द बेस्ट थिंग टू हील इज, नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज दो भाई हैं, हाँ एक अच्छी जॉब पे है, एक हाँ नहीं है, तो उसकी फैमिली मतलब बोलचाल इतनी है नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं चाहते कि ये ग्रोथ करे। देखिए, वो ग्रोथ वो ना करे, वो चाह रहे हैं ना, लेकिन वो आपके लिए ही क्यों चाह रहे हैं? वो अपने अड़ोसी पड़ोसी के भी चाह सकते हैं। अगर सगा भाई भी है तो भी यही तो ब्यूटी है पास्ट लाइफ की, कि आप उसमें पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं कि क्यों तो आपने इसको अपना भाई चुना। अगर आपने इसको अपना भाई चुना तो क्यों आपके और उसके बीच में ये दुश्मनी है? इस चीज को ही तो हम हील करते हैं प्यार से। उससे क्या होगा कि उसका ध्यान वहां से हट जाएगा। जैसे ही आपकी लर्निंग आपके पास आएगी ना, आपकी पावर बढ़ जाएगी, फिर वो सोच के भी नहीं सोच पाएंगे। अब आप मेरी बात समझे? उनको ऐसे लगेगा अरे फालतू है, जाने दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, और ऐसे बहुत सारे मैंने सेशंस किए हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो फैमिली में ही होता है, बाहर वाले इतना तंग नहीं करते जितने फैमिली वाले करते हैं। उनको तो क्या ही सही लेना देना है हमसे, राइट? 10 में से एक होगा बाहर वाला जो आपको दिक्कत देता होगा, राइट? मैम, क्या हीलिंग करने से फिर ये जो कार्मिक बैगेजेस है खत्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पास्ट लाइफ हम करते हैं इसलिए कि कार्मिक बैगेज खत्म हो, सोल की लर्निंग आए, पास्ट लाइफ में क्या हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आपको आती है, अरे जैसे यार मैंने ही इसका बुरा किया था इसलिए ये मेरे लिए बुरा कर रहा है, तो ही आपका आधा तो उसमें से वैसे ही निकल जाता है। जब आपको पता चल कि जाता है, व्हेन यू नो, जब आपको पता लग जाता है तभी आपका काम खत्म हो जाता है। मैम, एक्चुअली एक केस है जिसमें ना जो मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। हाँ, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा आप क्या तो बोल रही हैं। या तो आप उनको बोलिए 2 मिनट बात ना करें। मैम मैं बाहर हूँ ना इसलिए। ओके ओके ओके, हाँ जी, तो चेतना जी आप बोलिए। चेतना जी नमस्ते मैम, आवाज नमस्ते। आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये थेरेपी है तो हमारे प्रॉब्लम का सिर्फ रूट कॉज पता चलता है या फिर सॉल्यूशन भी हमें इसमें से पता चलता है या कुछ हमें करना पड़ता है अलग से? नहीं, जब आप एक बार पास्ट लाइफ में जाते हैं तो आपको वहीं पे प्रॉब्लम, जैसे एक होता है ना डॉक्टर डायग्नोज करवाता है, जाओ ब्लड टेस्ट करके बताओ क्या है, डेंगू है, मलेरिया है कि क्या हो गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही डेंगू मलेरिया सब इसी में पता लगता है। जैसे आप पास्ट लाइफ में जाएंगे, पास्ट लाइफ आप देखेंगे, देखने के बाद आपको पता चलेगा आजा उस बैठ जा। कि भाई ये ऐसा हो रहा है। तो फिर आप क्या करेंगी कि आपको, जब आपको पता चल गया डेंगू है या मलेरिया है, तो दवा तो आपको पता ही है ना, फिर थेरेपिस्ट को पता है एक्चुअली कि हाँ राइट, इनको कौन सा टेबलेट देना है, तो सोल्यूशन तो मिलेगा। अगर केवल डायग्नोज करके डॉक्टर छोड़ दे तो बेचारा मरीज तो मर ही जाएगा ना, इनको पता चल गया। सही तो
हाँ एग्जैक्टली, इंटरनेट पे जैसे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं है ना, कुछ वो राज पिछले जन्म का या व्हाटएवर, मैंने दो तीन देखे थे, याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें यही होता है कि किसी ने कुछ कर दिया होता है ना, या कुछ कॉज पता चलता है कि मुझे पानी से डर है या फोबिया है पर्टिकुलर किसी चीज का, तो क्यों है, फिर पास्ट लाइफ में दे वेंट टू पास्ट लाइफ और पता चलता है कि भाई मैं घोड़े से गिर गया था, व्हाटएवर जो भी है ना, तो फिर उस ये तो रूट कॉज मिला हमें, ठीक है, फिर वो एपिसोड नहीं, खत्म हो तो वहां जाता पे है हील किया जाता है ना। पूरी हाँ तरीके मुझे से। वही पूछना था कि वो यानी सॉल्यूशन भी मिलता है ना। इसको पूरी तरह से हील किया जाता है। आपको पता नहीं है कि जब किसी की बॉडी को कोई डैमेज होता है पास्ट लाइफ में, तो उसको पूरी तरह से रिवाइव किया जाता है, तब आप इस जन्म में वापस आते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कोर्स में हमें किसी को पास्ट लाइफ में ले जाने का आर्ट या टेक्निक सीखने को मिलेगी, या वो हीलिंग आर्ट भी सीखने को मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए ये थेरेपी है, इसमें सब कुछ इसी के साथ है, सब कुछ है। अगर आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो और आप वहां पे सिर्फ देख के पास्ट लाइफ आ रहे, बहुत सारे लोग सिर्फ पास्ट लाइफ फॉर फन जाते हैं, बट आई डोंट डू क्योंकि दैट, मैं नहीं जाती हूँ कि मेरी वो फ्रेंड ने फन। किया है ये कोर्स, तो उसमें एक उनको सेकेंड, सिर्फ पास्ट एक लाइफ आप में मेरी ले जाने पहले के। पहले पूरी बात सुन लीजिए। क्या यस यस होता है, प्लीज। जब फॉर फन आप जाते हैं पास्ट लाइफ में, तब आपको, आप उन मेमोरीज को और ट्रिगर करके आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला चलिए पास्ट लाइफ में चलते हैं, और वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम थी, राइट, तो वहां पे वो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दी और आपको मैं ले आई, देन यू विल फील मोर प्रॉब्लम, और भी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फील होगी। तो अब ये नुकसान है या फायदा? नुकसान ही हुआ ये तो। तो बिना हीलिंग के किसी भी चीज को हाथ में लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आप उसको हील नहीं कर सकते, उस चीज को सही नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं। यस गौरव जी, वी विल डिस्कस द होल प्रोग्राम, सो डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम टाइम। इनकी जो क्वेरीज हैं उनको खत्म करने के बाद मैं आपको कोर्स डिटेल ही बताने वाली हूँ। हाँ जी, जी तो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने किया था कोर्स, तो उनको सिर्फ वो पास्ट लाइफ में ले जाना सिखाया था, हीलिंग मेथड या कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया था, देखिए तो उसी आपको मैं तरह। बताऊं कि इंडिया में ना किसी भी चीज का कोई सिस्टम नहीं है कि क्या चीज बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्या चीज ऑथेंटिक नहीं है, आपने कहाँ से सीखा कहाँ से नहीं सीखा, ठीक है। तो ये अगर आप किसी से सीखते तो कम से कम एक सर्टिफिकेट तो मांग लीजिए कि आपने राइट। कहाँ से सीखा है, मुझे बताइए, ये आपका राइट है। अगर आज मैं ये कहती हूँ कि मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, बिल्कुल मैं आपके दिमाग से ऐसे ही नहीं खेल सकती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला बिल्कुल होता है। तो मैं दूसरों के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये आपका राइट है, आपको देखना चाहिए कि कहाँ से सीखा है उन्होंने, क्या वो सर्टिफाइड जगह है, ठीक बिल्कुल। थैंक है ना। तो दिस इज द आंसर। ओके, यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। प्रशांति जी प्लीज, आप बताइए आपका क्वेश्चन। मैम नमस्ते मैम, सॉरी आई ज्वाइन लेट, अर्लियर आई वेटेड मैम दैट डे, टुडे आई नो सॉ द प्रॉब्लम, मैसेज नो लेट। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। मैम अगर हमने किसी को, हमको ये थेरेपी सीखने के लिए या क्लाइंट्स को हील करने के लिए पहले उनको रीइंकार्नेशन के ऊपर बिलीव होना चाहिए या नहीं, दिस इज वन क्वेश्चन, एंड डिफरेंस बिटवीन एनएलपी एंड पास्ट लाइफ। सी देयर इज अ वर्ल्ड कॉल हिस्ट्री, ओके। अगर किसी को री इंकारनेशन में भी बिलीव नहीं है, तो भी मैं आपको बताऊं कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। आप उसको ये भी बोल सकते, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी का इन द सेंस कि आप उसको ये बोल सकते हो कि अगर इस प्रॉब्लम का रूट कॉज कहीं पास्ट में है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही डीप, बहुत ही मिस्टीरियस है, किन चीजों को वो रख लेता है पकड़ के एज रियलिटी, ओके, वी डोंट नो। तो आप उनको जो री इंकारनेशन में बिलीव नहीं कर सक करते हैं या उनके रिलीजन में ऐसा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हम बिलीव्स बना लेते हैं मूवीज देख करके, अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है, तो दैट आल्सो यू कैन से दैट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में कोई ऐसी स्टोरी बन गई है, जैसे लोग स्टोरी सुनाते हैं ना कि ये ऐसा हुआ फिर मेरे, चाहे वो उनके साथ हुआ नहीं, लेकिन वो स्टोरी सुना रहे हैं आपको कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो माइंड कैन क्रिएट मेनी थिंग्स विदाउट इवन हैविंग पास्ट लाइफ, आर यू गेटिंग मी। तो जो पास्ट लाइफ में बिलीव करता है उसको आप पास्ट लाइफ बोल सकते हैं, अगर कोई नहीं बिलीव करता तो कहते हैं लेट्स सी व्हाट इज देयर इन योर माइंड,
वो कहाँ से आया? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ मैम, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यूज एंड बिलीव्स, कि भाई मैं पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करती, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन लेट्स सी कि आपके माइंड ने ये कहाँ से ले लिया। मे बी कि कोई मूवी देख के ले लिया हो, मे बी कोई इंसिडेंट देख के ले लिया हो, यू नेवर नो। गॉट माई पॉइंट? यस मैम, सो इट इज मोर लाइक काउंसलिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। काउंसलिंग इज द फर्स्ट थिंग इन हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन विच यू नीड टू डू विथ योर क्लाइंट, और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो अब एडवांस में आएगा कि आपको कैसे बात करना है। आप में आई थिंक आई हैव गिवन अ फॉर्म, फॉर्म भरवाना होता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, क्या उसने पहले भी कभी करवाया है, या करवाया तो क्या हुआ है। बहुत सारे ऐसे पास्ट लाइफ वाले लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ पास्ट लाइफ में जाके और ज्यादा इस इश्यू को ट्रिगर करके आए होंगे, क्योंकि तो सोल्यूशन किया ही नहीं होगा उसका। राइट? आर यू गेटिंग मी हाँ एवरीबॉडी? मैम, सो दिस इज हाउ इट इज। सो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक तो पास लाइफ में ना ऐसे ही कुछ नहीं होता है। आप के माइंड में जो चीजें दबी हुई हैं, जो आपके लिए आज सही नहीं है, वही चीजों को आपको बाहर निकाल के उसको रिजॉल्व करके तब उसको रिलीज करना है। ओशो कहते थे कि अगर आप अपने पास्ट लाइफ में आपने अपनी सोल को नहीं देखा, जब वो व्हाइट लाइट में जाती है, तो आपने कुछ नहीं देखा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू सी योर ओन सोल गोइंग टू द लाइट। आर यू गेटिंग मी? हाँ मैम जी। हमको पता ही नहीं चलता वो पास्ट लाइफ है इल्यूशन है, तो इसके लिए नहीं एक्सरसाइजेस नहीं हैव नहीं टू। नहीं नहीं वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा जब आप हिप्नोसिस के थ्रू करेंगे, तो सब पता चलता है, सब पता चलता है। आपका थेरेपिस्ट जो है उसको सब पता होता है कि आप एक्चुअली ऐसे ही कहानी बना रहे हैं या वाकई पास्ट लाइफ में जा रहे हैं। इनफैक्ट कि मेरे क्लास में, जो लास्ट क्लास में जो भी लोग थे ना, उनको पता था, सबको पता लग जाता था कि अरे ये तो ऐसे ही कर रही है, इसको पास्ट लाइफ में नहीं जा रही है, सबको मालूम पड़ जाता है। जब आप समझते हो ना इस थेरेपी को, जब आप माइंड थ्योरी सीख जाते हो, जब आप हिप्नोसिस करना सीख जाते हो, तो आपको पता लगता है कि ये मतलब सिर्फ कहानी हो रही है या ये वाकई पास्ट लाइफ है, सब समझ में आता है। थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, पर आपको समझ में सब आ जाता है। मैम एनएलपी में भी माइंड कट ही ट्रेनिंग करते हैं ना मैम, तो दोनों में आई विल अगर नॉट किसी का टॉक अबाउट एनएलपी हियर बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ओके, वो एनएलपी अलग चीज है, ये नहीं अलग मैम, चीज है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एनएलपी मैम, हाँ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो भी लोग एनएलपी पहले से सीख लिया होगा इसको पहला सीखना है या नहीं, मैं इसके बारे में पीएलआर इज डिफरेंट, वही मैं बोल रही हूँ ना, पीएलआर इज डिफरेंट देन एनएलपी। एनएलपी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, ये एक डिफरेंट साइंस है आपके माइंड का। आर यू गेटिंग मी? अब आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ मैम, चेंज आप वहां पे भी कर रहे हो, लेकिन वहां पास्ट लाइफ में नहीं जा रहे हो, हाँ मैम, यहाँ पे आप पास्ट लाइफ में जाके चेंज कर रहे हो। सो मैं एनएलपी क्वेश्चन इज अ प्रॉपर, एक बोला जी टेक्निकल प्रोसीजर, यहाँ पे टेक्निक है, बट इट इज मोर स्पिरिचुअल साइड, इट इज द साइंस ऑफ योर सोल। आर यू मैम गेटिंग? एक क्वेश्चन हाउ लॉन्ग जनरली, आई मीन हमको कितना समय एवरी डे प्रैक्टिस करना पड़ता है मैम, सो दैट हाउ डू वी नो लाइक वी बिकेम गुड पर्सन, नहीं, लाइक खुद एवरी के डे लिए। प्रैक्टिस करने की जैसी कोई चीज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास में पढ़ाया जाए, पहले आप उसको पढ़िए, उसको सीखिए, एंड देन आपको हफ्ते में 2 या 3 सेशन भी आप किसी के आप कर थोड़ी रहे हैं, देर तो इट दीजिए, इज वेरी गुड टू यू नो, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। मैम मैम ऐसा ऐसा क्या चीज है जो हमें मैम लास्ट इस लाइफ क्वेश्चन, से वन पास्ट लास्ट लाइफ में क्वेश्चन जोड़ती है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ बताइए आप, पहले मैं मैम, इनके साथ बात कर आप लूं। मैम आपने कहा बेसिक लेने के लिए, तो अगर हमने बेसिक रिकॉर्डिंग लेकर एडवांस के लिए वेट कर रहे हैं या दोनों एक ही साथ ले रहे हो जो भी है, हाँ हाँ बेसिक लेने के बाद जो भी आप कहते हैं उसके हिसाब से हम करते हैं, उसके बाद कुछ समय तक हमको प्रैक्टिस करने के बाद एडवांस टेक्निक्स को सीखना है,
या किस तरह, जस्ट गाइड देखिए मी थ्रू? पहले तो आप वहां पे जाइए, बेसिक में चार पांच छह अगर आपने एपिसोड देख लिए जो वीडियोस हैं उसके, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आप क्लास में ना प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओगे जो भी मैं बताऊंगी आपको समझ में, बिकॉज अभी आप बॉडी सिंड्रोम वगैरह बहुत सारी चीजें आप समझेंगे इसमें कि कैसे हम इन सब चीजों को वो कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो सब डिटेल में आपको बताऊंगी कोर्स में क्या क्या आने वाला है। तो ओके ये एडवांस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं क्लियर करते हैं, मतलब जो लोग नहीं बेसिक मैं बिना करने? वेट 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 वेट, जब आपका एडवांस शुरू होगा तो फर्स्ट वन और टू क्लासेस में मैं आपका पूरा रीकैप करूंगी, लेकिन जो क्लासेस ऑलरेडी बेसिक के हो चुके हैं ना उसमें जो डिटेलिंग है वो आपको समझना, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अगर आप वाकई में बनना चाहते एक अच्छे पास्ट लाइफ रिग्रेसिस, तो मेरे हिसाब से इतना डेडिकेशन तो आपको होना ही चाहिए कि भाई चलो मैं बेसिक का रिकॉर्डिंग देख के और मैं एडवांस ज्वाइन कर लेती हूँ, ओके तो मैम, आपके अगर लिए ही बहुत फायदेमंद होगा। क्लास कंप्लीट करने के बाद हमको रोज प्रैक्टिस करना है, और कैसे पता चलता है लाइक वी आर रेडी, वी आर हील? ओके, वो अगर कोई क्लास में ही ऐसा आपको चीज, पता चल जाएगा, वो क्लास में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ओके क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम रेडी और नॉट रेडी, बिकॉज आप ही लोग करेंगे क्लास में रिग्रेशन, या मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं एक दो डेमो दिखाऊंगी उसके बाद आप ही लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि आप तो ये एडवांस शुरू हो रहे हैं, बेसिक तो हमने नहीं देखा, तो कुछ प्रैक्टिस समझना है वो देखने के बाद. डू यू सजेस्ट लाइक ये आफ्टर प्रैक्टिस गोइंग वगैरह तो मैं आपको क्लास में बता दूंगी, और क्लास में ही आपकी प्रैक्टिस होगी, आपस में ही आप एक दूसरे के साथ करेंगे, तो अभी प्रैक्टिस की ना सोच के पहले आप ज्वाइनिंग करिए, फिर हम ओके प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके मैम, थैंक हाँ यू. जी हेलो माही जी आप मैम. बोलिए। हाँ हाँ जी मैम. बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कनेक्ट करती है पास्ट लाइफ से इस लाइफ के साथ, मतलब कहाँ ये सारी चीज ये ना, हमारी एक फॉर्म होती मिनट है? माही हाँ जी देखिए, अभी आपने बेसिक आपको पता नहीं है राइट, हम ये एडवांस क्लास की बात कर रहे हैं, तो मैम, बता दीजिए थोड़ा सा. ऐसी कौन सी चीज है वो आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पहले ही बात किया था ना, तो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आप कनेक्ट करते हैं, करेक्ट, तो आप जब बेसिक देखेंगे और पूरा डिटेल देखेंगे वहां पे कि किस तरह से माइंड काम करता है, तब आपको पूरा ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मतलब मैं ये आप, माइंड हाँ में जी ही है कहीं हाँ ना कहीं मैम, जो भी चीजें हुई हमारी पास्ट लाइफ में वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ही स्टोर है. क्योंकि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम कुछ लोग सूक्ष्म शरीर की भी बात करते हैं इसमें, सूक्ष्म क्या शरीर की भी बात करते हैं कुछ लोग इसमें. आप वो अटेंड तो करिए ना क्लास, तब आपको सूक्ष्म शरीर क्या होता है वो भी पता चलेगा। देखिए आप हर जो आप जानना चाह रहे हो ना, वो मैं पढ़ाने के लिए ये वेबिनार नहीं है, वो अगर आप जो आप पूछ रहे हो वो आपको जानना है ना, तो उसके लिए आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, आपको हर चीज को डिटेल में समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि पीएलआर की बात करते ही लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें आती है, ये वो, लेकिन वो सबका जवाब आपको क्लास में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। आप अटेंड करेंगे क्लास तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से मेरा माइंड वर्क करता है, इस तरह से मैं पास्ट लाइफ में जाती हूँ, और इस तरह से मुझे पता चलता है कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, और इस तरह से उन चीजों को जानने के बाद मैं अपना सोल्यूशन करती हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट तरीके के सोल्यूशन, बिकॉज पास्ट लाइफ में एक ही घटना तो सबके साथ नहीं होती ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइफ होती है, तो वो सोल्यूशन आपको वही मिलते हैं, वही मैं आपको सब पढ़ाती हूँ कि ये किस तरीके से हैंडल करोगे आप, तब मैं कौन से इश्यू को कैसे करो। ओके बेसिक की क्लास देखने के बाद में ये क्वेश्चन, या तो मेरा क्वेश्चन रहेगा नहीं या फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करूंगी. हाँ, मतलब आप पहले जान लीजिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन के लिए मुझे क्लास लेनी पड़ेगी आपके पूरी समझाने के लिए, तो वो चीज आपको बेसिक में ऑलरेडी मिल जाएगी, और आप एडवांस ओके. ज्वाइन कीजिए, देखिए। ओके और मैम एक्चुअली ना मुझे अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक वाली, तो अब वो सब मैम उसमें अगर, आएगा, सब आएगा उसमें, तो मैम ये चीज मतलब सॉल्व हो जाएगा?
अस्थमा तो होता ही पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है। ठीक मुझे ये चीज है, क्लियर करनी है। हाँ वो हो जाएगी आपकी वहां पे। हाँ जी, हेलो आप मैम, बोलिए। धुनु जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे गुड हेलो, इवनिंग, हाँ बोलिए। मैं बोलूँ हाँ मैम? जी मैम, पास्ट लाइफ में जाने में डर लगता है। इवन मैं मेडिटेशन में भी, एक जब डीप सेकंड पवन जीत मेडिटेशन जी, में एक जाती हूँ। सेकंड पवन जीत जी, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं उनसे बात करी फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग बोलिए। मैम। तो मैम मुझे ये जानना था, जैसे कि हम लोग को फर्स्ट लाइफ में जाने के लिए तो खुद से हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब हिप्नोटाइज ना ऐसा जो करते हैं वो तो अकेले से नहीं हो पाएंगे। तो वो सब क्लास में हम लोग को सिखाया जाएगा, कोई अगर मेरे को हिप्नोटाइज किया तो मतलब मैं फर्स्ट लाइफ में जाके हिप्नोटाइज जो भी नहीं, आप इसको हिप्नोसिस बोलिए। हिप्नोटाइज होता है दिमाग को हिप्नोसिस, कैप्चर करना, पर हम कह ओके रहे हैं हिप्नोसिस, यू नो। हिप्नोसिस। तो वो मतलब एक दूसरे के साथ ही हम लोग को ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जी जी तो जी अपने आप से तो वो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब नहीं, दूसरे के साथ ये जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है कि हमेशा दूसरा आपके ऊपर करता है, तो उसके लिए क्योंकि तो हम जब आप खुद ही लोग ट्रांस में हो तो आप अपनी चीजों को कैसे हैंडल करोगे। तो उसमें शायद अगर हम लोग का कुछ भी क्वेश्चन भी रहता है जो हम लोग का करेंगे, उसको हम लोग को शायद क्वेश्चन जो हम लोग को पूछ मतलब जानना चाहते हो उसको शायद पहले ही मतलब बता के भी रखना पड़ेगा, तभी वो मैं जो जानना चाहती हूँ वो देखिए, पूछ जो पाएगी। थेरेपीज होती है ना दोनों जी, उनका एक प्रोसीजर होता है कि जैसे हीलिंग में क्या होता है कि आप आंख बंद करके बैठे, आप मेडिटेशन में गए, आपने हीलिंग सेंड किया, हो गया। लेकिन जो थेरेपीज होती है ना, वो आंख खोल के की जाती हैं। आप भले ही उसमें होंगे, हिप्नोसिस में या पास्ट लाइफ में गए होंगे, लेकिन आपको किस प्रॉब्लम के लिए पास्ट लाइफ में जाना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए नहीं ले जाना चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। और किन लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं ले जाना चाहिए, वो इस कोर्स में आप सीखेंगे। कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से आपको आपके क्लाइंट के साथ बात करना है, ओके, कि आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको किस तरह से लेनी है। ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। पास्ट लाइफ में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उससे पहले की और उसके बाद की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले ले जाने से पहले इन्फॉर्मेशन लेना, और ले जाने के बाद ले आने फिर के टाइम पे आप किस तरह से उसको रिजॉल्व करके आप उसको किस तरह से बाहर लेके आते हो, यू नो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट लाइफ में तो कोई भी ले जाता है, लेकिन आप कितना समझ के इस थेरेपी को कर रहे हो, आपके थेरेपी की सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका सेशन की सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो हाँ मुझे ये जानना था, और ये मैंने कभी वो नहीं सीखा है, तो ये एडवांस कोर्स है ना मैम? एडवांस कोर्स लेने से तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हम लोग लेकिन सीखना चाहे तो? आप अगर बेसिक सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, हाँ बेसिक तो नहीं सीखा है मैम, तो ये तो आप एडवांस वीडियोस बोले। खरीद सकते हैं, जिन्होंने बेसिक नहीं सीखा है वो आप अपना वीडियो ले सकते हैं वहां पर, ठीक है ना, आप बाय कर सकते हैं, राइट। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके, अब आप बोलिए शिखा जी। मैम मुझे बस ये पूछना था कि हम लोग पास्ट लाइफ थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, एंड वी सी द नम पास्ट लाइफ नंबर और इवेंट्स, मैंने देखे भी है अपने, तो हाउ इज दिस डिफरेंट, दिस इज पीएलआर एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या फर्क है? मतलब उसमें भी हीलिंग होती है, इसमें भी? देखिए, तो आकाशिक रिकॉर्ड इज जस्ट अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है ये, ठीक है। जैसे ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जानना, तो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि बहुत तरह से देखा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड। जैसे थीटा हीलिंग में भी आकाशिक रिकॉर्ड में आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड में जाना चाहते हो, जो आप जा सकते हो, यू विल बी मोर लाइक, यू नो, फोकस्ड। क्या है हीलिंग इज व्हाट, जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होता है वहां पे हीलिंग होती है। जब आप हिप्नोसिस में होते हैं, यू आर मोर फोकस्ड ओनली ऑन योर पास्ट लाइफ। अभी यहाँ इस जन्म में क्या चल रहा है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता, राइट। तो आपको आवाज भी आएगी कि इधर कुत्ता भौंक रहा था, इधर किसी ने घंटी बजाई, ये हो रहा है, वो सब आपको पता रहेगा, आप बेहोश नहीं हो जाते हो, ठीक है। लेकिन आप
पास्ट लाइफ की तरफ फोकस हो जाते हो, तो जहां आप फोकस्ड होते होके काम करते हो ना, वो चीज को आप टोटली एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? और ज्यादा डीपली कनेक्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? यस सर, हाँ, तो ये डिफरेंस होता है। हीलिंग में कोई भी मोडालिटी, कोई भी टेक्निक आप ले लो, इट इज ऑल अबाउट कि कितना फोकस है। मेडिटेशन इज व्हाट? फोकस करना अपने माइंड के ऊपर, दैट इज व्हाट। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं हिप्नोसिस के थ्रू। ओके, ओके ठीक तो ये और भी ज्यादा फोकस्ड और टारगेटेड हो जाता है। ठीक है। है, यस। हवनीता जी, टेल मी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मुझे पूछना है कि अगर जैसे किसी को अर्थराइटिस है या रूमेटॉइड है जिसमें बॉडी में ऑटोइम्यून डिफॉर्मिटी डिसऑर्डर्स, या हो रही है, राइट, तो ये यस, भी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, अगर स्पेशली अगर आपकी इस टाइम फैमिली हिस्ट्री व्हाट में ऐसा आई कोई सेड इन द डिफॉर्मिटी। बिगिनिंग इज, आप थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट आई सेड इज, इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी यू हैव टू गो टू द पास्ट लाइफ। आपकी ओके प्रॉब्लम की चाबी आपके इस जन्म में भी तो हो सकती है। तो हिप्नोसिस का मतलब ये नहीं है, या पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि हमेशा पास्ट लाइफ में ही रहो, किसी और लाइफ टाइम में, आप इस लाइफ टाइम में भी जाके देख सकते हैं, राइट? ओके हम हमेशा पास्ट लाइफ में यही पूछते हैं कि गो टू द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग राइट, मी? हाँ जी, हाँ, तो वही है ये। ओके, यस पवनजीत जी, आप बोलिए, हाँ जी, आपका इशू, आप क्या जानना चाह रहे हैं? पवनजीत जी, आप वहां पे हैं? आई थिंक शी इज नॉट देयर। हाँ जी यस मैम, का हूँ मैं, एक मिनट, अच्छा हेलो अच्छा अच्छा बोलिए बोलिए। मैम। मुझे ना पास्ट लाइफ में जाते हुए डर लगता है, इवन डीप मेडिटेशन में भी ना मुझे जैसे कुछ होने, मैं डीप जा रही होती तो मुझे डर लगता है, मैं आंखें खोल देती, तो मैम उसके लिए मुझे आना चाहिए कोर्स में या नहीं? डर ही तो निकालने हैं आपके, आप आइए कोर्स में, डर निकालेंगे आपके। आप दो चार पास्ट लाइफ होते हुए देखोगे तो ही आपका डर निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? अभी वो आई नहीं है शायद, शी हैज नॉट इन, एक सेकेंड, उनको भी बहुत सारे डर थे। शी इज नॉट हियर टुडे। ओके, उन्होंने अभी आया नहीं, पर डेफिनेटली शी इज गोइंग टू कम इन द क्लास। उनको बहुत अच्छा लगा था पास्ट लाइफ, और उनके डर बहुत सारे निकले थे। वो डर उनके पिछले जन्म से नहीं थे, वो इसी जन्म से थे। नहीं, हाँ मैम, वो डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि मैं वापिस आऊंगी, तो वहीं वो रह आपको जाऊंगी, क्या फियर है, वो फियर है, है? वो फियर आपको पहले तो फियर और फोबिया ही पढ़ेंगे आप इसमें। फियर और फोबिया कैसे होता है और कैसे निकाले जाते हैं मैम फियर और फोबिया, ठीक तो मैम है, हम वही इस जन्म पढ़ेंगे आप के इसमें। फ्रेंड्स करेंगे फिर, हाँ, तो मैम हम इस लाइफ के इश्यूज पे भी फिर साथ में डील करते हैं जैसे आप बता रहे हैं। वो तो कभी भी कर सकते हो। वो एक टेक्निक आपको मैं समझाऊंगी, उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो आप देखेंगे उसमें, ठीक है ना? अच्छा, ओके अभी मैं क्वेश्चन लेने से पहले कोर्स डिटेल आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है? वैष्णवी जी एंड काजल जी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके? फिर मैं आपका आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है? तो लेट मी शेयर वन स्लाइड विथ यू। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, हाँ, ये फाइल इज नॉट ओपनिंग, जस्ट 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन द कोर्स कंटेंट फर्स्ट।
ओके सो कोर्स कंटेंट आपको जाना था गौरव जी, और इट्स फॉर एवरीबॉडी, रिवीजन ऑफ दी बेसिक कोर्स। जो हमने बेसिक कोर्स में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, राइट। सो एक दो क्लासेस या तीन क्लासेस भी हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स लोग आते हैं सेकेंड क्लास थर्ड क्लास, तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा हमारा तब तक जब तक लोग आएंगे। एक हमारा एज रिग्रेशन थेरेपी है जो हम उसमें करेंगे, दूसरा पेन मैनेजमेंट है। तो बॉडी में बहुत तरह के पेन होते हैं हमारे, तो हाउ टू मैनेज दीज पेन्स। एक आपका बॉडी सिंड्रोम आता है, मीन्स आपकी बॉडी में कौन सा पेन इमोशनली आप किस जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें सीखेंगे, इनफैक्ट कि आप किस पेरिस विंडो आप इसमें सीखेंगे, करेक्टिव थेरेपी सीखेंगे, 5 स्टेजेस ऑफ लॉस आप समझेंगे। सी, ये जो हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ है, ये सिर्फ पास्ट लाइफ करने के लिए नहीं है, ओके। यहाँ पे आप पूरी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम, कि पूरी लाइफ में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। उसका फायदा आपको ये होता है कि आने वाले टाइम में आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस चीज के लिए थेरेपी करनी है। जैसे कोई आपको बोलता है कि मेरे ग्रॉइन एरिया में पेन है, या मेरे नीज में पेन है, या मेरे हेड में पेन है, या मेरे हैंड्स में पेन है, तो ये पेन कौन से इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उन सारी चीजों को इस कोर्स में समझेंगे। इट इज नॉट जस्ट अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये आपकी पूरी जिंदगी का साइंस है, ये आपके माइंड का साइंस है, ये आपका जो कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी इसमें, करेक्ट, ठीक है। सो कोई आपके साथ क्या क्यों बिहेव ऐसे कर रहा है आप उसको भी समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग, मेरी सास मेरे से ऐसे बोलती है, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोलते हैं, मेरी वाइफ मुझे ये हमेशा इस तरह से बात करती है, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो ये साइंस केवल पास्ट लाइफ जानने के लिए नहीं बनाई गई है, आप इसमें अपनी सेक्सुअलिटी का एक पूरा टेस्ट होता है, वो आप अपना वो टेस्ट करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। पहले भी हमने किया है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी किए हैं इसमें, तो वो सब भी होगा। दूसरा आपका होगा आपका जो डिप्रेशन, जो आपको डिप्रेशन होता है, तो हाउ टू हैंडल द डिप्रेशन, स्ट्रेस, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करोगी वो आपको मैं बताऊंगी इसमें। इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक भी है, हाउ टू आइडेंटिफाई इशू, जो मैंने आपको अभी बताया कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इशू को कैसे लेंगे। मान लीजिए किसी का इशू रिलेटेड है रिलेशनशिप से, आपने उसकी बात सुन के बोला कि नहीं नहीं चलो तुम्हारे तो पेट में दर्द है तो तुम्हारा पेट का ही करते हैं, नहीं, शी इज मे बी कैरिंग द अब्यूज फ्रॉम द फैमिली। तो ये अब्यूज, वो इस जन्म में भी अब्यूज ले रही है वो, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उसके पास लाइफ में या उसकी प्रेजेंट लाइफ में कहाँ से ये अब्यूज उसने लेना शुरू किया, वो आपको देखना होगा। आर यू गेटिंग मी माई पॉइंट। तो ऐसा नहीं होता कि जो आपका क्लाइंट बोलता है हमको एग्जैक्टली वही वर्ड्स लेने, हमें उसके थ्रू क्लाइंट से ये समझना होता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ओके। सो अब दूसरी चीज है अंडरस्टैंड क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस। जो आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट बनाता है वो है कि आप ये समझे कि क्लाइंट आपसे चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए। बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये पर्सन जिसके साथ आप हो वो बहुत ही खराब है, वो आपके किसी काम का नहीं है, बट ये हम उसको सजेस्ट नहीं कर सकते, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, राइट। हम उसको पूरा सिनेरियो बता सकते हैं कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो ऐसा होगा, और अगर आप खुद से अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हो तो ऐसा होगा, ठीक है। अब आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको एम्पावर करो, या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी और उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम हटाओ। आर यू गेटिंग मी। तो ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे, कैसे बात करोगे क्लाइंट से, किस तरह से केस लोगे, कितनी सारी चीजें आप पूछोगे, राइट, कि उसकी लाइफ के बारे में कैसे पूछोगे, उसकी लाइफ के पिछले इंसिडेंट्स के बारे में कैसे पूछोगे, ये सारा कुछ इस कोर्स में आएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि नहीं पीएलआर आ गया तो सब कुछ आ गया, नहीं, एक्चुअली दिस इज द मेन थिंग, पीएलआर तो कोई भी सीख जाता है, ओके।
देन एडल्ट्स ऑफ डिसफंक्शनल फैमिलीज। अब कितने तरह की फैमिली होती है और कितने तरह के डिसफंक्शंस होते हैं, आपको पता है कि अगर आप एक बार भी अपने बच्चे के सामने अपने हस्बैंड से लड़े हो या अपनी वाइफ से लड़े हो, दैट मीन्स यू आर फ्रॉम द डिसफंक्शनल फैमिली। आपके बच्चे के लिए ये डिसफंक्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि जब चाइल्ड अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखता है, उसको लगता है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, ये दोनों जो लड़ रहे हैं ना मेरी वजह से लड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी दिस पॉइंट? तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें आप इसमें सीखेंगे कि क्यों कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, और इसमें आप इनर चाइल्ड हीलिंग भी सीखेंगे, इसमें आप ड्रीम थेरेपी भी सीखेंगे कि ड्रीम्स जब आते हैं तो हाउ टू चेंज द ड्रीम्स थ्रू हिप्नोसिस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम थ्रू हिप्नोसिस। आर यू गेटिंग मी? देर इज अ वन थेरेपिस्ट, आई डोंट नो वेयर शी इज, मुझे याद नहीं है, लेकिन शी इज द ओनली थेरेपिस्ट जो आपके ड्रीम से ही आपकी पूरी हीलिंग करती है कि आपको ड्रीम कौन सा आता है, राइट? और आपका इनर चाइल्ड हीलिंग, का इनर चाइल्ड हीलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ दिस लाइफ टाइम, कि आपके बचपन में क्या हुआ, उन चीजों को हील करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्क्रिप्ट देना सीखेंगे, जैसे अभी कहाँ थी वो दुनु जी, आपने पूछा था ना कि ये तो दूसरे ही करते हैं, हम नहीं कर सकते खुद से, लेकिन आप अपने आप को स्क्रिप्ट दे सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट फॉर स्ट्रेस, स्क्रिप्ट फॉर फियर, फोबिया, बहुत सारे स्क्रिप्ट होते हैं, वेट रिडक्शन के स्क्रिप्ट होते हैं इसमें, हिप्नोसिस में, वो आप दे सकते हैं अपने आप को, खुद रिकॉर्ड कर लीजिए और 21 डेज सुनिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? यस ओके गौरव जी, आप वेर आर यू? आई कांट सी यू हियर, मे बी आई एम मिसिंग यू समवेयर। आर यू देयर गौरव जी? आपने मैसेज किया था डिटेल्स के लिए? आई थिंक ही इज नॉट देयर। अच्छा काजल जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो मैम, नमस्ते. नमस्ते। हाँ मैम, मेरा ये मुझे ये जानना था मुझे कि क्या पास्ट लाइफ से हम अपने एंसेस्टर का भी देख सकते हैं, कर्स बहुत सारे इश्यूज के. होते हैं। हाँ, कि वो यहाँ से विदा हुए हैं या नहीं हुए हैं. अगर नहीं हुए हैं तो क्या प्रॉब्लम है उनको, क्यों फंसे वो हैं, तो अब डिजायर मैंने क्या है जैसे उनको. आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके एंसेस्टर्स से आपको आती है, तो आपका सबकॉन्शियस, जैसे मान लीजिए एंसेस्टर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है कोई आपकी, तो वो आपका माइंड आपको एंसेस्टर के पास ही ले जाएगा कि भाई ये है इन जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब इनसे बात करिए। सो जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं ना अभी, ऐसे ही आप अपने एंसेस्टर से भी बात कर सकते हैं, ओके मैम, पर उसके लिए आपको एक स्मार्ट थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा ना, कि हर वो तरह की तो प्रॉब्लम सबसे मैं ऐसे सॉल्व कर लूं, पहले, वो तो राइट सबसे पहले. राइट? यस, सो द राइट थिंग इज राइट दैट कि जब आप हिप्नोसिस सीख जाते हैं, मतलब हिप्नोसिस का मतलब है किसी को ट्रांस में ले गए आप, ओके वहां पे आप पास्ट लाइफ करवा रहे हैं, वहां पे आप पेट दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं, या इनकी जैसे प्रॉब्लम है एंसेस्टर की, तो आप अपने माइंड को गाइड करते हो कि भाई टेक मी टू दैट प्लेस जहां से ये शुरू हुआ, तो वो ओके आपका माइंड पिछले जन्म में शुरू हुआ वहां ले जाएगा, इस जन्म में शुरू हुआ ले जाएगा। हमको सोचने की जरूरत नहीं कि वो एंसेस्टर का ही है या जो भी है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना, वो ओके मिल हाँ जाएगा, राइट? तो ठीक हम पहले से ये माइंड बना के नहीं बैठते हैं हिप्नोसिस में कि हम एंसेस्टर के पास ही जाएंगे रहेंगे. ओके या प्रॉब्लम हम पास्ट लाइफ में ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप से जाएगी. प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, इसी जन्म में शुरू हुई है तो पास्ट लाइफ में ढूंढ ढांड के वापस आ जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट? तो थेरेपिस्ट को तो स्मार्ट होना चाहिए भाई, प्रॉब्लम किधर है, जड़ कहाँ पे है, रूट में जाना है भाई, है ना? हाँ तो जी, बिल्कुल बिल्कुल रूट में जाएंगे हम, रूट से ठीक. निकालेंगे प्रॉब्लम को और उसको वहीं खत्म कर देंगे, राइट? ओके मैम, ओके ओके मैम, थैंक थैंक यू. यू। यस वैष्णवी जी, ओके हाँ, मुझे पूछना था, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम तो नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि हम पिछले जन्म में ही जाते हैं, पर अभी जी आपका जो मैं सुन रही हूँ उससे पता चला कि नहीं, हम इस जन्म के भी चाइल्ड
हुड में या ऐसे जाके फिर क्या कॉज था ये सब पता करेंगे। लेकिन जैसे अभी आपने देखा है अभी जैसे डायबिटीज कैंसर या फिर व्हाइट पैचेस के पेशेंट्स होते हैं अरे तो बहुत फायदा होता है इन लोगों को, डायबिटीज वालों को। और ये जो अभी उन्होंने बोला था ना कि ये अस्थमा, हाँ अस्थमा का तो इलाज ही पिछले जन्म में है, इस जन्म में है ही नहीं है। इवन अच्छा, या फिर जिनको कैंसर इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हेटरेड फीलिंग। तो कहाँ से ले आए आप इतनी हेटरेड, वो निकालना होता है, राइट? नहीं तो किसी जैसे पास्ट लाइफ हम जब बोलते हैं तो उसमें कैसे है हाँ कि जैसे कोई तकलीफ है मुझे, सपोज हाँ कुछ भी तकलीफ है तो उसका जी पास्ट लाइफ में किसी ने मुझे कोई मेंटल लेवल पे कोई तकलीफ दी होगी तो जी फिर वो हम वहां जाके वहां पे सॉल्व करके फिर आते हैं या फिर जी जी उनको जी जी कंटिन्यूअसली हीलिंग करते रहते हैं। नहीं, इसमें कंटिन्यूस हीलिंग कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारी एक क्लाइंट थी, श्री विठल जी आप थे क्या उसमें क्लास में जिसमें हमने उनका हील किया था पिछले जन्म का? आप थे ना पास्ट लाइफ में? नहीं मैं कर्मा हीलिंग में था। अच्छा, आप कर्मा हीलिंग में थे, करेक्ट। तो उनका जो जैसे बैक पेन था, जैसे क्या होता है कि जब तक आपकी वहां से मेमोरीज नहीं जाती ना, जो प्रॉब्लम आपको दे रही है, तब तक आप दवाइयों पे दवाइयां करते रहिए, वो हील नहीं होता। थोड़ा बहुत असर होगा, सेल्स बेचारे थोड़ा दवाइयां वाइयां पी के थोड़ा सा शांत रहेंगे, फिर चालू हो जाएगा। पर जैसे ही आप पास्ट लाइफ में जाते हो और उसको रिलीज कर देते हो, तो क्या होगा, जो आप 10 साल से दवा ले रहे थे, वो काम में पता है 10 दिन के अंदर वो चीज चली जाएगी दवा लेते ही, परमानेंटली। अच्छा, पर व्हाइट पैचेस के लिए तो वो अगर जैसे छोटे बच्चों को अगर हो जाते हैं तो जी उनका तो पास्ट लाइफ में उसका सोल्यूशन शायद हो सकता है या फिर उनकी मदद। बच्चों का जो है हम अलग तरीके से करते हैं, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं, उनका कोई और करता है। मतलब जैसे मेरे पास दो ट्विन्स आए थे जिनकी पैदा होते ही इनकी हालत खराब हो रखी थी काफी, दोनों मतलब आईसीयू में थे। तो जब हम मैंने उनका पास्ट लाइफ किया था, तो पता चला कि एक ही चीज आई थी कि उनको ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों को कि मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है। तो उसमें उनके लिए मैसेज आया था कि माँ को बोलो कि बच्चों को मिले और कहें कि हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, हम बहुत प्यार करते तुमको और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर वो पास में जाके नहीं बोल पाए, क्योंकि आजकल काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बच्चों के पास जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे, तो अपने बेड पे बैठ के बच्चों के बारे में सोच के और ये बोलेंगे तो भी वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 दिन के अंदर बच्चे उनके पास थे। हाँ अच्छा, तो ये हमेशा जिनको सर्दी वगैरह होते रहती है हमेशा कफ का प्रॉब्लम होता है जो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे पेरेंट्स दोनों अगर कफ प्रकृति के वो हो तो देखिए बच्चों का तो उनको। थोड़ा इमोशनल इश्यूज भी बहुत होते हैं, आप उनको तो अच्छा अदरवाइज भी ठीक करवा सकते हैं, ऐसी बात हाँ नहीं है। हाँ हर नहीं, चीज के लिए पास्ट लाइफ छोटे बच्चों के लिए तो नहीं जिनका एडवाइजेबल नहीं है। होता, जिनका नहीं होता हर बार कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसा कि जो अस्थमेटिक की तरफ चले जाते हैं कुछ कितने दिन बड़े के हैं बाद। बच्चे? नहीं ऐसा मैं जो मैंने देखे हैं कि 7-8 साल के हैं नहीं, वो तो बहुत छोटे हैं, उनको हम बहुत एडवाइज छोटे हैं। नहीं कर सकते, अच्छा नहीं अच्छा उनको एडवाइज नहीं ये कर। यही आप जन्म से पढ़ेंगे ही। कि कितने कितने बड़े लोग कौन किस तरह के लोग पास लाइफ में आ सकते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक अच्छा है ओके ना? ओके ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मनीषा जी। यस बताइए। हेलो मैम, वेरी यस यस सॉरी, मनीषा यस जी, कैन यू हियर मी मैम? यस सो मैम, ये थेरापी में लाइक हम पास्ट लाइफ और अगर करंट लाइफ के भी कुछ इश्यूज है तो भी पता चलेगा फिर, हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल उसके पता भी चलेगा, सॉल्यूशंस और उसके भी सॉल्यूशंस मिलेंगे मैम। बिल्कुल मिलेंगे सॉल्यूशंस। मुझे ना आपके साथ थोड़ा देखो, पर्सनली टॉक पहला पहला करना है। जी सोल्यूशन तो यही होता है कि आपको क्या पता लग गया। तो मैम, वो कैसे पता चलेगा कि ये करंट लाइफ का है या पास्ट लाइफ का है? वो सब पता चलता है, वही मैं बता रही हूँ ना, आपको ही नहीं आपके थेरेपिस्ट को भी पता चलेगा कि आप किस लाइफ टाइम में, आप खुद ही बताओगे। ओके मैम, मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा? बिकॉज मुझे कुछ पर्सनल टॉक मैं करना है चैट बॉक्स में, आपसे। हाँ चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच। एक तो एकेडमी से भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ, ठीक मैम, है ना? कोर्स फीस का भी बता दीजिए। फीस? अच्छा, एक सेकेंड ना, मैं मेरे को मुझे जरा कॉल करना पड़ेगा, 1 सेकेंड।
हेलो। हाँ जी, हाँ एक्चुअली अभी आपको पीपीटी दिखा देंगे, वो सब डिटेल्स के लिए आप देख लीजिएगा, पर तब तक मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। यस दोनों जी, आप बताइए आपको क्या पूछना है। मैम मुझे ये पूछने दी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने पिछले जन्म में कुछ मतलब सीखा है, बट अभी इस लाइफ में हम लोग को थोड़ा सा मतलब डाउट है कि मैंने ऐसा ऐसा सीखा था लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है, तो वो सब भी अगर मुझे क्लियर करना पड़ रहा है मतलब मुझे जानने का मन होने से, क्या मैं फर्स्ट लाइफ में जाके वो सब जान सकती हूँ कि पहली चीज, मैंने जो कुछ भी आप सीख रहे हैं ना अभी फिलहाल, वो सब आप पिछले जन्म में सीख चुके हैं। दिस इज नॉट न्यू, नथिंग इज न्यू। आप अट्रैक्ट ही उसी नॉलेज की तरफ होते हैं जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। आर यू गेटिंग मी? पर यस, आपके क्वेश्चन का सवाल, जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, यस आप सीख जरूर जा सकते हैं और पता कर सकते हैं। ऑफ जैसे कोर्स कि हाँ जैसे कि कभी कभार होता है ना कि कोई अदर लैंग्वेज है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आता है, मैं जानती हूँ बट मुझे अभी याद नहीं है यस फिलहाल, यस यस डेफिनेटली आप कर सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है कि मैं फर्स्ट लाइफ में जाने से, क्या मुझे फर्स्ट लाइफ का मेमोरी मतलब याद आने से क्या मैं वो लैंग्वेज को बोल पाऊंगी या फिर ऐसा कुछ? डिपेंड्स डिपेंड्स आपका माइंड, आपका बॉडी उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो हर चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जो लोग पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते हैं, बार बार कोशिश हो रही है, बार बार कोशिश हो रही है, पास्ट लाइफ में जाना है, पास्ट लाइफ में जाना है, नहीं जा पा रहे, इसका मतलब एक तो ये होता है कि आप तैयार ही नहीं हो। अभी आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई नहीं है कि आप अपने पास्ट लाइफ को देख पाओ, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो, जिसको देखने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो हमारा जो माइंड है ना, वो इतना प्रोटेक्टिव होता है कि जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है वो आपको कभी नहीं दिखाएगा, अच्छा ओके। तो और अगर कोई नॉलेज आपको मिलनी है जो आपके लिए ठीक है आज की डेट में, वो उसी नॉलेज को उतना ही दिखाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जबरदस्ती एक्सेसिव नॉलेज लेना चाहते हैं, वो हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उस नॉलेज, हर नॉलेज की अपनी एक एनर्जी होती है। आर यू एबल टू टेक इट? आर यू एबल टू मेंटेन इट? ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले, इस दुनिया को बनाने से पहले भगवान ने भी सोचा था कि इस दुनिया को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो 9 ग्रह बना दिए कि भाई तुम ये कर देना, तुम ये कर देना, तो ऐसे दुनिया चलेगी, राइट? तो आप हमेशा ये समझिए, हर चीज को बैलेंस में यूज कीजिए और हमेशा डिवाइन गाइडेंस के साथ यूज कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट? टू मच इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। एक्चुअली मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा मैम कि मुझे कुछ जानना है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है बट अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है, शायद मुझे जाने से वो मेरा नहीं देखिए, ये आंसर सब अजम्पशंस हैं। अगर आप क्लास में आएंगी तो लेट्स सी, उसका भी मैं आपसे बातचीत करूंगी, तभी वो डिसाइड कर सकते हैं हम उस बारे में, ठीक है? ठीक है, थैंक यू ओके, श्री विठल जी बताइए। थ्री मैम। एडवांस कितने महीने कोर्स है? थ्री मंथ्स बेसिक भी 3 मंथ्स है। हाँ, ओके इसमें ठीक काफी डेमोज होते हैं ना, तो एक्चुअली सबको करना भी होता है। फिर बहुत सारी, ये तो एडवांस, इसमें तो बहुत कुछ समझना होगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं एडवांस में तो। मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज्यादा पता नहीं लेकिन मैंने सुना है कि एस्ट्रल ट्रैवल करके जाते हैं वैसा, तो वो एक नहीं, मेथड ऐसा है। कुछ एस्ट्रल ट्रेवल नहीं होता है, ये इट इज डिफरेंट, ओके ये हिप्नोसिस से होता है। हिप्नोसिस के थ्रू होता है। यस शिखा जी, आप बताइए। मैम इसमें भी मुझे ये पूछना था, वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, वो सब इसमें भी, इन केस नथिंग लाइक दैट, जस्ट हिप्नोसिस इन ये, एंड इन केस सम क्लाइंट कम्स, ही हैज सम वेरी बैड कार्मिक अकाउंट, मतलब उसको
ऐसा भी हो सकता है ना, डिनाई करे उसकी हीलिंग, मतलब आप ही हैज पहली डन चीज सच अ बिग अजम्पशंस में क्राइम। मत जाइए कि इसका कार्मिक अकाउंट हो सकता है, वो तो किसका नहीं है, कौन सुखी है बताओ 100%। मैम सपोज भगवान ने उसको ऐसा एक बीमारी या दंड दी है कि ही विल नॉट बी क्योर्ड एंड वी ट्राई एंड हील, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पर आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं, ये किसी थेरेपी में नहीं होता, मेरा फंडा ऐसा इसमें कुछ नहीं। बहुत अलग है। अनलेस कि आपके अंदर वो एनर्जी है ऑलरेडी, मान लीजिए उसने ओके 4 लोगों को मारा, उसे श्राप लगाए, आपने हाँ उसकी हाँ हीलिंग की, तो आपको रातों रात लगने लगा कि हाय हाय मैंने भी कुछ किया होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सेम प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है जो साथ में, तो एनर्जीज आपको यही बता रही कि तुम्हारा भी ऐसा कुछ है भाई, संभाल लो। ओके इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता किसी को, बस हमारे डर से हम हर चीज छोड़ते जाते हैं, अरे हमें ये नहीं करना, इसमें तो ऐसा हो जाता है, इसमें वैसा। आप थीटा हीलिंग करो, ठीक है, आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन करो, आप रेकी करो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार इसके इसके साथ भी ऐसा हो रहा था, अब मेरे को है ना, इसका मैंने ले लिया। नहीं, आप किसी का ना कोई किसी का किसी को दे सकता है, ना कोई किसी का ले सकता है। आपको ओके वो हुक दिखा के गई है कि देखो यहाँ पे अटकी हुई है सारी प्रॉब्लम तुम्हारी, यू हैव टू रिजोल्व इट। ओके आप दूसरों को ब्लेम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी ही सॉल्व नहीं होगी। आपको अपनी तरफ देखना है कि मेरे मेरे को ही क्यों ऐसा हुआ, मुझे क्या जानना है इस बारे में। बहुत सालों तक मुझे हर बार ऐसा लगता था कि ये जो मेरी क्लाइंट बैठी है ना, इसकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम सेम है। गॉड ऑलवेज सेंट यू द क्लाइंट्स हु आर वेरी सिमिलर टू यू। हाँ हमेशा आपके पास भगवान ऐसे ही क्लाइंट भेजेगा जिसकी आपकी प्रॉब्लम सिमिलर होगी, आप समझ रहे हो। हाँ तो कभी ऐसा मत सोचो कि इसकी प्रॉब्लम मैं ले लूं। अगर मान लो आ भी गई है तो आप ये जानो कि मैं इतनी वीक कहाँ पे हूँ कि मैंने उसका प्रॉब्लम ले लिया। अगर आप इस पे भी विश्वास करते हो तो अपने आप को एम्पावर करो, अपने ओके इश्यूज को रिजॉल्व करो, सो दैट ये चीजें आपके साथ दोबारा ना हो। पहले अपनी हीलिंग करके स्ट्रांग हुए फिर दूसरों को हील करें, ऑफ कोर्स मेन थिंग। प्रॉब्लम यही तो होता है, लोग हीलिंग सीखते हैं दूसरे दिन से दूसरों को हील करना चालू कर देते हैं। अरे पहले अपना आप अपने आप को पूरी तरह हील करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिर आप दूसरों को हील करो, राइट। यस हाँ आप बोलिए रितु जी। मैम नमस्ते नमस्ते मैम। हाँ, मैं ये पूछना चाहती मैम, आपने बोला कि पास्ट लाइफ का पता चलता है मैम, तो हमारे जितने मैम इसमें हम अपने और भी हम, क्या पता मैम कितने हमने जन्म लिए, तो मैम उसका भी पता चल जाता है, ओल्ड सोल होती है जैसे। नहीं, जो प्रॉब्लम आप लेके पास्ट लाइफ में जाते हो कि भाई जी मुझे पैसे के ऊपर काम करना है, या मेरे और मेरी सास का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है मुझे उस पे काम करना है, या मेरी ननद मुझे बहुत परेशान करती है, ऐसे क्यों करती है, जी तो आप उसी लाइफ टाइम में जाओगे जहां पे आपका और आपकी ननद का प्रॉब्लम शुरू हुआ, या आपका या आपकी सास का प्रॉब्लम शुरू हुआ, या जो भी जी इस मैम कह लो एक्स वाई जेड, पैसे का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, आप उसी लाइफ टाइम में ही जाते हो, क्योंकि आपका थेरेपिस्ट आपको वही गाइड करता है कि आप ऐसा करो। ओके मैम, वो ओके किसी okay? भी जन्म का हो सकता है ये हमारा मैम कर्मा पीछे से जुड़ा हो जो। हाँ, वो 10 जन्म पहले का भी हो सकता है, वो 50 जन्म पहले का भी हो सकता है, क्योंकि इस जन्म में ना आप वही वाला है, अकाउंट बुक में से कितनी चीजें निकाल के लाएगा, मैं 10 चीजें सॉल्व करके जाऊंगी इस जन्म में, ठीक है। तो अगर 10 चीजें आपने सोच रखा है मैं सॉल्व करके जाऊंगी, तो वो 10 में ही तो आप घूमोगे, जी वो दस दस चीजें हो सकता है 10 में से 4 आपके 50 जन्म पहले की हो, यू नेवर नो। मैम, और अश्विनी जी आपने प्लीज म्यूट। एक बात और बोली कि मैम आप जो भी मॉडलिटी कुछ करते हो इस टाइम में, तो वो आप पीछे से पहले से आप सीखते आए हो, तभी आप इस जन्म में कर रहे हो। हाँ वो तो है ही, हमारे पास ये नॉलेज पहले से ही है, बस हम इसको दोबारा वो रीबूट करते हैं ना चीजों को, वो कर रहे हैं कि दोबारा से उसको डाल रहे हैं अंदर कि हाँ भाई चलो अब चालू हो जाओ अब तुम, ऐसा जी मैम बिल्कुल, थैंक यू राइट। मैम। मैम आपकी थैंक यू। नॉलेज मैम ये बहुत अच्छा है मैम, जितना सुन रही हूँ तो मैम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मैम। थैंक अब यू वेरी मच रितु जी। हाँ जी मैम, अभी हम देखो ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैम कभी भी होगा जब मैम वही है जब एनर्जी मुझे अलाउ करेंगी तो शायद मैं तब ज्वाइन कर ऑफ कोर्स, पाऊंगी। जो नॉलेज आपको जब मिलनी होती है तब मिलती है। जी मैम, क्योंकि मैम हम ऑलरेडी आकाशिक में हूँ और रामा फेरा और हुंकारा सब कर रही, तो अभी मुझे लग रहा है मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैम आपका ये बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में मैं जरूर करूंगी मैम, ये मुझे आप लगता है वीडियोस भी जरूर ले है। सकते हो ना, ऐसा कोई वो नहीं है, आप वीडियोस भी ले सकते हो।
जी है। मैम ओके बिल्कुल मैम, लेकिन बहुत बहुत अच्छा मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आपके बोलने से बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिले हैं मैम, अभी ज्वाइन जी भी नहीं करा लेकिन बोलने से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं आप मैम, बहुत जान रहे हो ना अच्छा। सब्जेक्ट के बारे में इसलिए। जी मैम थैंक यू मैम। ओके थैंक यू रितु जी। जी विठल जी आप बोलिए। मैम, ये बेसिक और एडवांस में मतलब क्या फर्क है या क्या डिस्टिंक्शन है वो समझ में नहीं आ देखिए रहा। अभी जो बेसिक में हो गया है ना, माइंड थ्योरी है, किस तरह से हिप्नोसिस में ले जाना है, किस तरह से पास्ट लाइफ में जाना है, वहां पे कौन सी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है, वो हमारा बेसिक में था। अब हाँ एडवांस में बहुत सारी अलग चीजें आ रही है, जैसे हाउ टू अंडरस्टैंड बॉडी, बॉडी सिंड्रोम, फैमिलीज, डिसफंक्शनल फैमिलीज कैसी होती हैं, उसके लोग कैसे होते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें आ रही हैं इसमें, आप ओके समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो इसमें क्या है कि एडवांस में बहुत ज्यादा फोकस सेशंस पे नहीं होगा कि डेमो कर रहे हैं, रोज पास्ट लाइफ हो रहा है, आपको बहुत कुछ थ्योरी समझना है इस चीज के बारे में, है ना। तो वो है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो नहीं किया, देखिए केवल पास्ट लाइफ के लिए मत ज्वाइन करिए ये कोर्स, इस कोर्स में पास्ट लाइफ के अलावा भी बहुत कुछ है जो आप समझेंगे तो आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी, आप दूसरों के ओके बिहेव को समझ पाओगे, दूसरों के तरीके को समझ लिए ऐसे ही क्यों करता है ना, इस तरह की ओके चीजें हैं। ठीक है ओके। ओके बीना जी आप बताइए। बीना जी मैम, आइए। कैंसर और डायबिटीज, HIV, समझो ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हाँ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है और कुछ इस लाइफ से भी कनेक्टेड होता है हर चीज, मतलब ऐसे नहीं कि पास्ट लाइफ में है, इस लाइफ में भी हो सकती है उसके रीजंस, वो आपको पता लग जाएंगे। ओके मतलब ओके मेडिटेशंस उसका मेडिटेशंस वगैरह जैसे होता है क्या? नहीं होते जब आप हिप्नोसिस में जा रहे हो, ये इट इज इक्वलेंट टू 100 मेडिटेशंस। आप अगर केवल हिप्नोसिस में ही चले जाओ तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जितना आप मेडिटेशन में 10 दिन में करोगे वो एक ही दिन में हो जाएगा। तो एक टाइम अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं भी गए, मान लीजिए आप हिप्नोसिस में चले गए, तो इट इज इक्वल टू 10 to 20 मेडिटेशंस, क्योंकि आपका माइंड तो रिलैक्स था ना, दैट इज हाउ इट मैम इज। खुद का करना सॉरी वो मैम, खुद से खुद का करना है तो है हिप्नोसिस, आप खुद को कर सकते हो, कान में ईयरबड लगा के आप लेट जाओ, कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट इट, कैसे होगा वो क्लास में पता चलेगा आपको। ठीक है ओके ठीक है। हाँ मैम, मैंने क्वेश्चन पूछना हाँ जी था। पास्ट लाइफ से कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या, जैसे कि हमारा कोई रिलेटिव हो, जैसा कि अगर मैं आपको ओके पास्ट लाइफ में डाल के और मैं चली जाऊं अपने घर, तो भी आप थोड़ी देर बाद जग जाओगे और अपने घर चले जाओगे, यार ये कहाँ गई, कुछ हमारा नहीं कोई होता। रिलेशन हो, जैसे कि अभी उसका हमारा अलग रिलेशन है और पास्ट लाइफ में हमारा दूसरा रिलेशन था, तो हमारे मन में वही बात रहेगी कि ये पास्ट लाइफ में मेरा हस्बैंड है अभी, तो पास्ट लाइफ में हमारा दूसरा कुछ रिलेशन था उससे, तो ऐसा हो सकता है कि डिस्टर्ब तो हो आपके सकता है। पापा आपका बेटा भी हो सकता है इस लाइफ में, और आपका भाई आपका पति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा, बिकॉज नाउ ही हैज अ न्यू बॉडी, सोल तो वही है। तो इससे डिस्टर्ब हमेशा हो सकता है ना हमेशा लाइफ में। पास्ट लाइफ में आप उन्हीं लोगों के साथ आते हो जिनसे आपका सबसे क्लोज रिलेशनशिप होता है, ओके ओके तो नॉट अ बिग थिंग। आपको तो आत्मा को समझना है ना, शरीर को थोड़ी समझना है। ओके आपकी माँ आपकी बहन भी हो सकती है पास्ट लाइफ में, अच्छा या तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ कोर्स के। तो पहला तो ये है कि ट्यूसडे और थर्सडे ये क्लास 4 बजे से होगी और सारी क्लासेस लाइव होंगी जूम पर, ठीक है। ऑलमोस्ट 18+ क्लासेस होंगी आपकी, तो आप लगा लीजिए कि 3 महीने 3.5 महीने की क्लासेस आपकी ये हो चुकी हैं, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगे आपके क्लास में ही, हम डेमोस करेंगे, सारी केस स्टडीज होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे आपके, जो भी है आप डाउट्स पूछ सकते हैं। और दूसरा आपको ये एकेडमी का मेंबरशिप का बेनिफिट रहेगा, अगर आप में से कोई बहुत अच्छा कर सकता है तो आपको जो है आपको चांसेस भी दिए जा सकते हैं कि आपको जॉब भी रिक्रूट किया जा सकता है या जो भी है।
आपको सारे स्टडी नोट्स मिलेंगे इसमें और कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, करेक्ट? मैम मतलब ये परसों से स्टार्ट हो रहा है? यस, ओके। ओके अब ये है कि आपका ये जो फी स्ट्रक्चर है, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये पड़ेगा 4,240 रुपीज माइनस 20%, सो 3,158। ओके, फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स उसमें जो है उनको 25% की जगह 36% उनको डिस्काउंट मिलेगा, तो 2,685 रुपीज। ओके, सो ये अकाउंट जो है आपको, अकाउंट डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी, ग्रुप पे आ जाएंगी, ठीक है? और ये जो डिटेल्स हैं ये मैं आपको पूरा ग्रुप पे भेज देती हूँ, तो आपको आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। ओके, सो इट इज अ 3 मंथ्स कोर्स। ओके एवरीबडी, सो बी रेडी टू अटेंड द कोर्स। आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस, बिकॉज ये एक अलग ही तरह की स्टडी है। जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ हीलिंग्स ही पढ़ा है उनके लिए तो थेरेपीज आर वेरी वेरी डिफरेंट। ये बहुत, मैम, ये डेली है या वीक में वन डे? नो, एकेडमी में हमेशा क्लासेस ट्वाइस इन अ वीक होता है, मतलब 8 क्लासेस इन अ मंथ, गेट इट? ठीक है, और हाँ, डे और टाइम क्या रहेगा? डे और टाइम, टाइम इज 4 o'clock, डे इज ट्यूजडे एंड 1 सेकेंड, हाँ ट्यूजडे, और अभी मैंने बताया था ना, टाइम रहेगा ट्यूजडे एंड थर्सडे, मतलब ट्यूजडे थर्सडे 2 दिन। थर्सडे 4 o'clock। यस यस, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोर्स हम रात को भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जब हम हिप्नोसिस करेंगे रात को, अगर मान लीजिए मैं कई कई बार स्क्रिप्ट देती हूँ सबको एक साथ दे देती हूँ, जैसे किसी को मेमोरी के लिए चाहिए, किसी को दे, तो एक बार सबको मेमोरी के लिए दे दिया, ठीक है? तो क्या होता है, एक बार हिप्नोसिस में आप चले जाएंगे, रात को नींद ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि माइंड इतना फ्रेश हो जाता है एकदम, जैसे अभी सो के उठे हो, तो वो नींद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी रखा है, सो देट आप थोड़ा दौड़ेंगे फिरेंगे इधर उधर जाएंगे आएंगे, तो आपको रात को प्रॉपर नींद आ जाएगी, नहीं तो फिर नींद का पंगा हो जाता है। ओके, बाकी फी स्ट्रक्चर के लिए और क्लैरिटी क्लैरिटी के लिए आपके ग्रुप पे ये मैसेजेस पहुंच जाएंगे, ठीक है? और बाकी और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अदर देन क्लास गाइडेंस मिल सकता है आपका? सब कुछ क्लास यस खत्म यस यस, हो आई गई या वी ऑलवेज टेक द सेपरेट सेशंस इफ यू वांट। है? ओके थैंक यू थैंक मैम, प्लीज यू। शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। या इट इज देयर इन द चैट बॉक्स। ओके, मैम देखी आकाशिक गई। रिकॉर्ड और हाँ मैम आकाशिक रिकॉर्ड और ये जो पास्ट लाइफ का जो आप सिखाने जा रहे हो ये दोनों अलग अलग है? या इट्स वेरी डिफरेंट, ओके थैंक वेरी यू। डिफरेंट। यहाँ पे एंड मैम बार बार रिकॉर्डिंग्स एक विल चीज के लिए गेट? काम नहीं करना है कि आज मेडिटेशन किया फिर कल किया फिर पढ़ा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये जो है थेरेपीज का मतलब होता है एक बार सेशन हुआ आपका, बात खत्म। ओके ओके, मैं दोबारा चैट बॉक्स में डाल देती हूँ आपके लिए। ये 2 घंटे की क्लास रहेगी मैम, 4 से 6? वन एंड हाफ आवर पर ऑलमोस्ट 2 घंटा चलती है। एंड इफ वी मिस मैम क्लास तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना मैम? यस, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली पर्सनलाइज चला गया है। यस हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे थे देवकी जी। मैम इसके बाद और कितना लेवल्स होते हैं? देर आर 5 लेवल्स ऑफ हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ। ओके, सो ऑलरेडी 2 लेवल बेसिक में हो चुके हैं, 2 लेवल इसमें हो रहे हैं, जो फिफ्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल हम ऑनलाइन नहीं करा सकते, इसीलिए आपको 4 लेवल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें भी एक का दो ही चीजें हैं, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है फिफ्थ लेवल में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके एवरीबडी, मैम मुझे 3 साल से बैक का इशू है, बैक प्रॉब्लम है, एल्बो पेन भी है और हीलिंग, ये सारी चीजें तो मैं सीखती रहती हूँ, लामा फेरा भी अभी सीख रही हूँ, अभी संगीता जी ने जो
आकाशी का सिखाना स्टार्ट किया है, उसमें भी मैं ज्वाइन हुई हूँ। रेकी का भी सीखा हुआ है, बहुत थोड़ा टाइम आराम मिलता है, जस्ट वापस वही पेन स्टार्ट हो जाता है। आई नो, आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है? हाँ, ओके मैम, थैंक यू। माय नंबर इज देयर, आप बात कर लीजिए। और किसी को कोई ओके क्वेश्चन पूछना है? यस, हेलो मैम, हेलो, आपका परसों से स्टार्ट हो रहा है? यस, अभी थर्सडे से। हमारा एक मोनिका मैडम का भी चल रहा है, हमारा शैमेनिक जर्नी। उसकी लास्ट क्लास सैटरडे को है, वो भी 4 o'clock ही होती है, ये तो ट्यूसडे एंड थर्सडे है ना? मगर अभी ये कमिंग, अच्छा ट्यूसडे और थर्सडे है। जी ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम, मैम अरे ऑल द कंटेंट्स विल बी इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और अलग अलग रहते हैं बैच में, सो हमारा कुछ इश्यूज है तो उसका हील करने के लिए भी हम पूछ सकते हैं, या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ही हमको करना मुझे ना आपकी आवाज बहुत ऐसे आ रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है कि आप सबको नहीं आ रही है? है। मैम आपने बताया कि मेमोरी का इश्यू है तो अलग अलग लोगों को अलग अलग स्क्रिप्टिंग देते हैं करके, तो नहीं, हमारा मैंने ये इश्यूज कहा कि जैसे मेमोरी का इशू है, किसी को कुछ है, तो एक बार में सबको मेमोरी का दे दिया भाई, चलो सबकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा। हमारा इश्यूज अलग अलग का यूनिक इश्यूज रहता है, देखिए, तो कुछ इसके लिए 1 मिनट, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो सबके लिए फायदेमंद, जैसे इम्यूनिटी के लिए सेल्स प्रोड्यूस करना बॉडी में, ठीक है, वो सबको चाहिए होता है। तो हिप्नोसिस स्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट देनी होती है, वो चाहे एक जन ले चाहे 10 लोग ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो हमारा हमारा अलग हमारा इश्यूज के लिए कैसे स्क्रिप्टिंग करना है वो भी इस एडवांस यस कोर्स में यस बताते हैं। यस, आप अपनी ओके स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, यस, वो भी मैं आपको बता दूंगी इसमें, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके ओके दूसरा, फी मैम, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, दिस फॉर न्यू पार्टिसिपेंट इज 3,158 रुपीज, और जो एग्जिस्टिंग जो पहले से ही है पार्टिसिपेंट, उनके लिए 2,685 रुपीज। ओके, मैम ये एडवांस कोर्स फाइनल है ना, मतलब इसके आगे और एडवांस कुछ रहेगा क्या? इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग है, अच्छा मतलब सीखने के लिए इतना ही, मतलब हाँ टीचर्स प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग के लिए है, ठीक यस है, मतलब ये थैंक जी, यू। ठीक है। तो आपके पास दोबारा से ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि फीस, डे एंड क्या क्या कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहेगा, ये सब कुछ आपके पास दोबारा से पहुंच जाएगा ग्रुप में, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? एवरीबडी मैम थैंक यू, किसी को अगर एवरीबडी करना है, थैंक यू फॉर किसी को ज्वाइनिंग अगर टुडे। करना है पूरा 5 लेवल्स करने के बाद ही करना है, सॉरी, किसी को हम करना है तो कुछ क्लाइंट्स को अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है तो 5 लेवल्स खत्म होने के बाद ही करना है या एडवांस करने के बाद ही कर सकते हैं? फिफ्थ, नहीं, वो टीचर्स लेवल है, फिफ्थ, वो टीचर्स लेवल ओके करना पड़ेगा आपको, यस, उसके लिए 100 केस स्टडीज आपको करनी पड़ेंगी, तब आपको टीचर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। सो क्लाइंट्स को हील करने के लिए टीचर्स लेवल्स करना करना पड़ता जी है। जी 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 ओके मैम, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच फॉर मैम, अटेंडिंग टुडेज वेबिनार, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर थैंक यू इवनिंग, मैम, सी यू ओके देयर इन द क्लास, थैंक यू मैम, थैंक बाय, यू, थैंक थैंक यू ऑल। यू।